हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा रेसिपी है वो है वेज फ्राइड राइस, यानी कि इसमें हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाला, जिसमें है 2 इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ये है थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है। रिफाइंड ऑयल लिया है। ये देखिए हमारा सब्जी जो है वो है फूल गोभी, इसको हम छोटे से टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये है कैबेज, इसको भी बारीकी से काट रखा है। कैप्सिकम को भी हमने छोटे छोटे करके काट रखा है। और फिर आता है गाजर, इसको भी हमने बारीकी से काट रखा है, देख सकते हैं आप। ये धनिया हमने लिया है गार्निशिंग के लिए, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप पुदीना को भी यूज़ कर सकते हैं। ये है दोस्तों नमक और चीनी, जिनको हमें चाहिए इस डिश के लिए स्वादानुसार। और इसके बाद दोस्तों काजू है। इसके बाद है दोस्तों चावल, जिसको आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी इसका बिल्कुल ड्रेन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें सब्जी जो है हमारा फूलगोभी, कैबेज और जो भी हमने लिया था कैरेट यानी कि गाजर, उन सबको मैं इसमें तल लूँगी। पहले देख सकते हैं आप, मैं सभी सब्जियों को एक साथ इसमें डालूँगी। देखिए मैंने सभी सब्जियों को इसमें डाल दिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना देर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं कुक भी कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक, याद रखिए हमें नमक इसमें कम डालना है, क्योंकि जब हम फ्राइड राइस को पकाएंगे तब हमें उसमें भी नमक डालना है, तो इसमें आप नमक कम ही डालें। इसको इस तरह से चला लीजिए। और फिर इसे एक जगह इस तरीके से कर दें और फिर इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक करीब पकाएंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए गैस की आंच को धीमी करके 2 से 3 मिनट तक इसको पका लीजिए और फिर ये बिल्कुल रेडी है। कवर हटा दिया है हमने, इसको हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई करके चला लेंगे और फिर निकाल लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कढ़ाई को गर्म करके फिर से 2 से 3 चम्मच हमें तेल डालना है, रिफाइंड ऑयल। उसमें हम चौक लगाएंगे गर्म मसाले का, जिसमें हमने लिया था इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, वो हम डाल देंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों हम डाल देंगे जो हमने तेज पत्ता लिया था, 2 तेज़पत्ता हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे जो अदरक हमने लिया था कटा हुआ, करीब 1/2 चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे और सॉटे करेंगे। अच्छी तरह से अदरक को सॉटे करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च कटा हुआ। दोस्तों पहले मैंने आपको नहीं बताया हरी मिर्च के बारे में, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालने से क्या होता है कि फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैंने डाला है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही सॉटे करेंगे, गैस की आंच को लो रखना है, याद रखिए, नहीं तो ये जल जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम बारीकी से कटा हुआ, इसको हमने सॉटे करना है अच्छी तरह से। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जितना कि कैप्सिकम है उतना ही, उसके ही क्वांटिटी के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। और फिर इसको सॉटे करना है अच्छे से। इसको सॉटे करने के बाद जब ये पक जाएगा पूरी तरह से, इसमें हमने डाल देना है काजू। इस काजू को पहले आप धो लीजिए और फिर थोड़े से घी में इसको चला लीजिए, फिर आप इसमें डालिए। गैस की आंच को लो रखना है और इसको थोड़ी देर सॉटे करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट चावल डाल देंगे।
ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके चावल डालना है और फिर मिक्स करके और फिर थोड़ा डालना है, ज़्यादा चावल एक साथ ना डालें। ये देखिए इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाकी सारे चावल डाल दूँगी। ये देखिए अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत ही कम समय में ये रेडी होता है चावल, अगर आप आगे से पहले से पका हुआ हो तो। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। अब इसको हमने चलाते रहना है, उससे क्या होगा चीनी और नमक मिक्स हो जाएगा चावल के साथ। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, देख सकते हैं आप चावल हमारा बिल्कुल, ये फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और सब्जी डालने के बाद तो और भी अच्छा आ जाएगा और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने इसमें सब्जी डालना है। सब्जी डालने के बाद सिर्फ दो से तीन बार आप इसको चला लें, यानी कि मिक्स कर लें और उसके बाद निकाल लें। ये देखिए हमने इसे निकाल भी लिया है, इसको हमने सर्व किया है इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में। इसको आप सोयाबीन के करी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही यमी डिलीशियस डिश है वेजिटेरियंस के लिए। तो दोस्तों अगर ये डिश आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, नए आए हैं, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।